अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत डिलीशियस पालक पनीर बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पालक पनीर बनाने के लिए हम पालक लेंगे, पालक की जो डंडियाँ हैं उन्हें निकाल देंगे और पालक को 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है। एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे, उसे बॉईल कर लेंगे। मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी लिया है। पानी में बॉईल आने लगा है, इसमें हम पालक डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे पालक को 2 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। देखिए 2 मिनट के करीब हो गई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक बर्तन में हम ठंडा पानी ले लेंगे। अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो आप पानी में आइस डाल लें और पालक को निकाल लेंगे। ठंडे पानी में पालक को निकालने से ना पालक का कलर चेंज नहीं होगा, ग्रीन ही रहेगा। उसका कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। पालक को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे पालक ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए पालक ठंडा हो गया है, मैंने पानी से निकाल लिया है। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें पालक डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम हरा धनिया। हरे धनिया से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ऐसे इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए ग्राइंड हो गया है, इसका पेस्ट बन गया है। इसे हम साइड में रखेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और इसके साथ ही हम 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर देंगे। जैसे ये गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा। 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 से 3 लौंग ऐड करेंगे। 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे इसमें ऐड करेंगे 2 लाल मिर्ची और 8 से 10 लहसुन की कलियों को मैंने चॉप कर लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। लहसुन को आप ज़रूर ऐड करिएगा, इसका पालक पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे लहसुन फ्राई हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, इसे हम डार्क नहीं करेंगे। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी हम भून लेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक लहसुन अदरक की रॉ स्मेल ख़त्म ना हो जाए। देखिए लहसुन अच्छे से भुन गया है। इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया था। साथ ही हम मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का ना पालक पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ऐड करिएगा। और कसूरी मेथी को हम पहले रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और सभी मसालों को भून लेंगे। देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, ऑयल रिलीज़ हो गया है। इसमें ऐड करेंगे पालक का पेस्ट जो हमने तैयार किया था। मिक्स करेंगे। और जार में थोड़ा पानी लेके ना वो ऐड कर देंगे, जो भी उसमें पेस्ट लगा हुआ है वो सब निकल जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट तक पकाएंगे। आप पालक को कवर करके पकाइएगा, नहीं तो पूरी किचन मैसी हो जाएगी। देखिए पालक को पकते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इससे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक हमारा पहले ही पका हुआ था। इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच क्रीम। आप दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा इसमें हम नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। हमें पालक को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक हमारा पहले ही पका हुआ था। इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। मैंने 300 ग्राम पनीर लेके उसे क्यूब्स में कट कर लिया था। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पनीर को बिना फ्राई किए ही ऐड किया है। अगर आपको फ्राइड पनीर पसंद है तो आप पहले फ्राई कर लीजिएगा। देखिए 1.5 मिनट हो गई है, हमारा पालक पनीर तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी पालक पनीर तैयार होता है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये पालक पनीर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़। इसके ऊपर हम बारीक कटी अदरक डालेंगे और ग्रेट करके पनीर डालेंगे जिससे एकदम ढाबे वाला लुक आएगा। आप ऊपर से बटर भी डाल सकते हैं।